वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, दिस इज विक्रम चटर्जी एंड यू आर वाचिंग बिकूदा व्लॉगर। सो कैसी है अपनी बीवी फैमिली? आई होप बीवी फैमिली बहुत बढ़िया, बहुत जगह से मेरी तरह। सो बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया, सो आज वीडियो आ गया और टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। सो जी हाँ, मेरे पास एक नया एग्जोर का हेलमेट आ चुका है एंड उसी के बारे में ये फुल वीडियो है। डिटेल और रिव्यू वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, आज का वीडियो में खाली यही बताऊंगा कि जो हेलमेट है वो कैसा है एंड क्या क्या उसमें खासियत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप लोग जो नया हेलमेट है उसका थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स थोड़े से हैं वो एंजॉय कर लीजिए एंड कैसे लगे वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो गाइज, एंड बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग, यार बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, सो ये है मेरा पुराना वाला हेलमेट। मैं पुराना नहीं बोलूँगा, जस्ट एक ही साल हुए मुझे ये खरीदे हुए, बट अभी नया हेलमेट आ गया है तो ये पुराना ही हो जाएगा। सो ये है मेरा पुराना वाला हेलमेट, यह है एग्जोर क्रिप्टो एंड इसका जो कलर स्कीम है मैंने जैसे कि बताया कि नियॉन ग्रीन और मैट ब्लैक के अंदर है, लेकिन ये जो है ये बहुत रॉ है। मतलब मेरे से जो सीनियर्स राइडर है जिसका उम्र मेरे से ज़्यादा है वो थोड़ा, मतलब जो सीनियर्स राइडर्स होते हैं उनके हिसाब से ये हेलमेट उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत पसंद आएगा। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको ख़रीदा था तब के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग वाला कलर और हेलमेट यही था। सो बहुत हाथ पैर मारने के बाद मुझे ये वाला हेलमेट मिला था। मुझे मीडियम चाहिए था बट उस टाइम मुझे मिला नहीं, लार्ज मिल गया मुझे, तो मैंने लार्ज ही उठा लिया क्योंकि मीडियम के लिए मुझे और 10 या 15 दिन तब वेट करना पड़ता। बट मैंने सोचा छोड़ो भाई, बलकलावा पहन लेंगे, कुछ स्कार्फ वहाँ पहन लेंगे, लेकिन हेलमेट आज ही लेना है। तो ये वाला मैंने ले लिया था एंड इसमें भी आप एंटी फॉग वाला वाइज़र मिलता है आपको और डबल जो है, मतलब दोनों वाइज़र भी आपको मिलते हैं। मतलब मान लो आप धूप में राइड कर रहे हो तो ये वाला आप खोल के भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी आते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ये वाला मुझे कॉस्ट पड़ा था अराउंड 4500 से 4600 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है। और अभी तक तो ये वाला मॉडल बंद हो गया है क्योंकि ये है एग्जोर क्रिप्टो, और मेरे पास जो अभी आया है, जो नया हेलमेट मेरे पास है, तो वो है एपेक्स। तो मैं आपको वो वाला एक बार दिखाता हूँ। तो दिस इज माई न्यू हेलमेट, जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स, जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स। यहाँ पर दोनों आँख भी बने हुए हैं। सो ये भी नियॉन ग्रीन और ब्लैक के अंदर है और थोड़ा रेड का टच भी दिया हुआ है। सो ये जो है ये है एग्जोर का एपेक्स, और इसका अगर मैं कॉस्टिंग का बात करता हूँ तो ये अराउंड मिलता है अभी 4700 से 4800 के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये जो हेलमेट है ये मैंने ख़रीदा नहीं है गाइस, मैं बताता हूँ, आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। ये मुझे मिला है एज अ गिफ्ट, और जिन्होंने भी मुझे ये गिफ्ट दिया है वो है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बड़े एक राइडर है, मेरे आइडियल है, जिन्होंने भी मुझे ये वाला हेलमेट गिफ्ट किया है। एंड सर, इफ़ यू आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ आप लोगों को, जिन्होंने भी ये हेलमेट मुझे गिफ्ट किया है तो उनका भी ऑल इंडिया राइड चालू है। सो मैं तो कुछ अलग कलर स्कीम या कुछ और ग्राफिक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मुझे मिल गया और मुझे पर्सनली यही वाला चाहिए था। सो मैं इवन कि मैं ख़रीदने भी वाला था, मतलब मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, मतलब एक मेरा भैया है तो उसका शॉप में ये मिलता है, तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे लिए एक ला दीजिए, तो अभी तो फ़ोन करके कैंसिल कराना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया मेरे पास ऑलरेडी। सो उनका राइड चल रहा है। एंड सर, आसनसोल में जो मीटअप था, जो प्रोग्राम था, मैं वहाँ पर अटेंड कर नहीं पाया, आप लोग को ज्वाइन कर नहीं पाया क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स मेरे चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं सर, ये एक बहाना नहीं है, बट एक बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, कर भी दिया था आप लोगों को, मैंने मेल किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था कि सर मैं आ नहीं पाऊँगा इस इवेंट में। सो ठीक है,
कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली आ रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं दिल्ली जाऊँगा, मेरा कुछ काम है पर्सनल। मेरे बहन जो है वो शिफ्ट करने वाली है, मेरा बहन ऑलरेडी देहरादून में रहती है तो वो जाएगी दिल्ली, तो मुझे तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो तब सर आपसे मुलाकात भी होगा और इकट्ठे हम दोनों भाई एक साथ ब्लॉग भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो मेरे दो अनमोल रत्न मेरे पास आ गए हैं, तो बात कैसे करते हैं। सो ये जो टाइम था, मेरे जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो से अभी तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बीच में जो टाइम गैप था, उस टाइम में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया। मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था मैं उन लोगों को। आई मीन प्यार मतलब आप दूसरे सेंस से मत लीजिए, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं है इसमें। मतलब मेरे भाई यार जो दोस्त होते हैं, उन्होंने ऐसा धोखा दिया है गाइस, मैं क्या बताऊँ। मतलब इंसान ऐसे चेंज होते हैं, मैंने उनको देखकर ही सीखा। आई नो यू आर वॉचिंग, सो कैरी ऑन भाई, आप ऐसे ही जलते रहो और हम आपको ऐसे ही जलाते रहेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे पास अभी दोनों हेलमेट आ गए हैं, इसको मैं अभी रेगुलर बेसिस में यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैं लॉन्ग राइड में यूज़ करने वाला हूँ, और इसमें मैं एमसील देके वो माउंट, नहीं नहीं भाई इस हेलमेट में नहीं भाई, इसमें भी मैंने कर लिया था लेकिन इसमें नहीं करूँगा। इसमें मैंने कुछ और जुगाड़ करके रखा है, अमेजोन में ऑर्डर दिया है मैंने। आई मीन जेस पाजी ने एक बार यहाँ पर अपने नया हेलमेट में जो सुपर सुपरमैन एडिशन है उसमें एक माउंट लगाया है, तो वो मैंने सर्च किया अमेजोन पर, तो अमेजोन पर मुझे मिल गया, तो वो वाला माउंट पर यहाँ पर लगाऊंगा। अदरवाइज वो एम सील दे के यहाँ पर काला भद्दा सा वो मैं नहीं करूँगा इस हेलमेट में, तो कभी नहीं करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड इसको एक बार बढ़िया से टेस्ट करेंगे, इसका ब्रेकिंग भी करना है। और गाइस ट्रस्ट मी, गला इतना ख़राब है, इतना खांसी हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। देखो वॉइस भी ड्रॉप हो गया। वीडियो को और लंबा नहीं करते, वीडियो को एंड करते यहीं पर, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर नाम आ रहा है, जाके ज़रूर से फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ वहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक अगर देख ले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक कर दो और कमेंट ठोक डालो एक बढ़िया सा। तो मिलते हैं मुझे नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइट सेव एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, रुको 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 मत जाओ। तो मैंने जो है वो नया हेलमेट तो दिखा दिया लेकिन उसको तो अनरैप किया ही नहीं। अभी ये जो है इसको हटाने का जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल है गाइस, नेक्स्ट लेवल। सो 1 2 3 करने पे ये वाला करेंगे और वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 को कहाँ से करते हैं यार, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मेरे नाखून भी नहीं है, मैंने सब काट डाले। ओहो सॉरी, मैं इडियट की तरह यहाँ पर कर रहा था लेकिन जो है वो यहाँ पर है। तो चलिए करते हैं, इसका साउंड सुनिएगा, इसका जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, ये अलग ही मज़ा आता है इसमें करने को। सो दिस इज माई न्यू हेलमेट। ओ हो, और एंटी फॉग भी अंदर लगा हुआ है मेरे पास, उसमें भी लगा हुआ था, इसमें भी लगा हुआ है। सो ठीक है, वीडियो अभी एंड करते हैं, ये वाला मैं भूल ही गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। सो ठीक है, स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं बहुत ही जल्द, बाय बाय।